बोला बहुत दिक्कत होता पढ़ाने में। चलो जी देखो समझो, देखो बाबू आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में तीन चीज आपको हमेशा याद रखना है ना, तीन एक ही वो इक्वेशन है, एक रिलेशन है बाबू। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में क्या तीन पैरामीटर है, एक वोल्टेज है, एक क्या है आपका करंट है, एक रेसिस्टेंस है, यही तीन चीज है ना। इसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो भी है, आई है, आर है। तो भी आई आर के बीच में क्या बोला, ओम्स ने एक रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन निकाला सर, उसने बोला बाबू कि भी बराबर क्या होता, आई आर होता है, भी इक्वल टू क्या होता, आई आर होता है। ये बात कौन बोला, ओम्स बोला है ना। तो प्रीवियस क्लास में आपको हमने ओम्स लॉ के बारे में बताए थे, क्या बताए थे, ओम्स लॉ के बारे में बताया था ना, क्या होता नहीं होता ना। तो ओम्स लॉ क्या होता है बाबू है ना, ओम्स लॉ बाबू आपको क्या बताया था, उसका ग्राफ बताया था ना प्रीवियस क्लास में बाबू, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन बताया था ना, कैसे वेरीफाई, हमने ओम्स लॉ ने क्या सोचा, कैसे सोचा था कि वोल्टेज है जो क्या होता है करंट का क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी भी सर्किट में बाबू अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, किसी भी सर्किट अगर है वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा बढ़ेगा है ना। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल क्या होता है करंट होता है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल क्या होता है करंट होता है, यही प्रोपोर्शनलिटी हटाते होता है, भी बराबर कितना होता आई आर होता है ना। तो यही आपका क्या है ओम्स लॉ है ना। तो प्रीवियस क्लास में आपको लिखाया था कि स्लोप है ना, जो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ बाबू है ना, वी आई ग्राफ हमेशा यहाँ पे ध्यान देना, आंख खोल कर पढ़ना है ना। आपको यहाँ पे एक एक साइड में यहाँ पे बाई एक्सिस पे वोल्टेज रहेगा और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा करंट रहेगा, या ऐसे भी हो सकता है बाई एक्सिस पे करंट दे देगा और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज दे देगा है ना। तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है रेसिस्टेंस होता है ना, किसी भी वी आई ग्राफ है ना, यहाँ पे आंख खोल कर पढ़ना, अगर यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे क्या करंट दिया हुआ है, तो वी आई ग्राफ का स्लोप मेरा रेसिस्टेंस देगा ठीक। अगर बाबू आपको बाई एक्सिस पे करंट दे दिया और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज दे दिया, तो इसका जो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप निकालोगे ना, तो वह वैल्यू रेसिस्टेंस देगा। हमको कुछ होने समझ में आया ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझाते हैं आगे है ना ठीक। तो पहले स्लोप का मतलब समझो है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है इसका मतलब समझो। ए आनंद बाबू ऑन करो ना जी, ठीक शुभ, ए शुभ शैतान ऑन करो, माई बाबू ऑन कीजिए। स्लोप का मतलब क्या होता है सर है ना, तो स्लोप क्या होता है बाबू, स्टिफनेस बताता है, किसी भी लाइन का स्टिफनेस बताता है ना, स्टिफनेस बताता है मतलब क्या सर, नहीं कुछ फीलिंग हो रहा, जैसे कोई भी लाइन बाबू हॉरिजेंटल एक्सिस से कितना खड़ा है ना, जितना खड़ा रहेगा वही उसका क्या होता है स्लोप होता है। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो ये लाइन है, एगो इधर लाइन है इस तरह से है ना बाबू, आ एक लाइन इधर है, एगो और डंडा है जी, बहुत सारा डंटा था बोला का हो गया ठीक। यहाँ पे है ना भोले नेक्स्ट बाबू। तो स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का बाबू, क्या होता है स्टिफनेस होता है, लाइन का क्या बताता है मेरा स्टिफनेस बताता है ना, कि कोई भी लाइन बाबू कितना है ना स्टीप है, मतलब किसका कितना उसका क्या है ढलान है, कितना उसका क्या है ढलान है ना, वही क्या बताएगा स्लोप बताएगा है ना। और ज्यादा कुछ नहीं होता है ना, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कहने का मतलब क्या बोला, कहने का मतलब क्या बाबू है ना, चिपकेगा जी, जैसे मान लो एक लाइन इधर है ना, एक लाइन किधर है इधर है ना, ऐसे एगो लाइन है ठीक है ना, हाँ सर कि नहीं, और एक लाइन ऐसे है तिरछा सीधा सीधा हो जी ठीक है ना, एक ऐसे हो गया है ना और एक ऐसे हो गया ठीक है ना, इस तरह से। तो कहेगा यहाँ पे बाबू कितना ये झुकाव है ना, जितना ये एंगल बन रहा है, जितना ये एंगल बन रहा है यहाँ से है ना, यही इसका क्या कहलाएगा स्लोप कहलाएगा ठीक है ना। अब इसको झुका दोगे तो ये स्लोप का वैल्यू क्या हो गया घट गया, ये एंगल घट गया ना बाबू, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गया घट गया। इसको ऊपर करो, इसको क्या करो और ऊपर करो, इसको क्या करो थोड़ा ऊपर करो, तब स्लोप क्या हो रहा बढ़ रहा, मतलब स्टिफनेस मतलब क्या होता है ढाल, स्टिफनेस का मतलब क्या होता है ढाल। जैसे कहीं कोई पहाड़ पे चढ़ोगे तो नहीं कहोगे कि बहुत ज्यादा ढाल है ना, ज्यादा ढाल कहने का मतलब क्या, उतना ज्यादा वर्टिकल है, जितना ज्यादा ये वर्टिकल होगा, जितना ज्यादा ये हॉरिजेंटल एक्सिस से एंगल बनाएगा, उतना ज्यादा इसको क्या कहेंगे स्लोप कहेंगे। देखो अभी स्लोप क्या हो गया बढ़ गया, इसको नीचे कर रहे हो तो स्लोप क्या हो जाएगा घट जाएगा, और नीचे करो स्लोप क्या होगा घट जाएगा, और नीचे करो स्लोप क्या होगा घट जाएगा, और नीचे करो स्लोप क्या होगा घट जाएगा। और घटाते घटाते इसी का पैरेलल कर दो, इसी का क्या कर दो पैरेलल कर दो, इसी का क्या कर दो पैरेलल कर दो, तो कहेंगे स्लोप कितना हो गया जीरो हो गया, स्लोप कितना हो गया जीरो हो गया है ना, जीरो हो गया ना। तो स्लोप क्या बताता,
है ना, कितना यह एंगल बना रहा, जितना ज्यादा एंगल बनाएगा हम लोग कहेंगे उस लाइन का स्लोप क्या है, उतना ज्यादा है ना। कोई ऐसे वर्टिकल कर दो तो स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे एंगल बढ़ गया ना जी, तो स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया है ना, बढ़ गया है ना। ठीक, तो यही मतलब होता है स्लोप का, है ना। हॉरिजेंटल से इसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं ना, इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और यहाँ से इधर कितना है ना झुकाव है, जितना ये एंगल बनेगा वो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे, है ना, और कुछ नहीं ज्यादा, है ना। तो ओम्स लॉ तो ये हमको क्यों बता रहे हैं सर, इसलिए बता रहे हैं भोला कि आगे हम ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, स्लोप वाले कंसेप्ट, है ना। तो पहले स्लोप का मतलब समझ में आएगा तब ना जी, हम स्लोप वाला क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, स्लोप आइए नहीं जा समझ, तो क्या फायदा पढ़ने से, है ना। ठीक, तो स्लोप होता क्या चीज है, स्टिफनेस है। स्टिफनेस का मतलब क्या, वो ढाल है ना, कितना ज्यादा है ना ढुलाव है ना, ढाल है ना। अरे जैसे मान लो ऐसे एक रोड नहीं होता तो नहीं कहते बाबू कि ऐसे ही ढाल है ना, ऐसे ही ढाल है, थोड़ा ऐसे ही आपका कम ढाल हो गया हॉरिजॉन्टल से, और ऐसे कर दो तो ज्यादा तीखा ढाल हो जाएगा, है ना, तीखा ढाल हो जाएगा। तो वही होता है ना, तो स्लोप है क्या चीज, तो वही लिखे, इट द स्लोप इज न्यूमेरिकल वैल्यू बाबू दैट डिस्क्राइब्स द स्टिफनेस ऑफ ए लाइन, है ना। कोई भी लाइन बाबू कितना ज्यादा झुका हुआ है, जितना ज्यादा झुका हुआ रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कहेंगे उसका स्लोप कम है, जितना ज्यादा उठा हुआ रहेगा उसका कहेंगे स्लोप क्या, उतना ज्यादा, उसका स्लोप क्या कहेंगे, उतना ज्यादा, है ना। मतलब समझ में आ रहा है ना। ठीक ठीक तो ये होता है स्टिफनेस ऑफ ए लाइन, है ना। आए सर निकालेंगे कैसे, स्लोप को निकालेंगे कैसे, ठीक है स्टिफनेस बता दें, है ना, कैसे निकालें, हमको निकालने का मन कर रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो स्लोप निकालने का क्या होता है बाबू, है ना, बाई कोऑर्डिनेट ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ का क्या होता है, रेशियो होता है। स्लोप हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, इट इज डिटरमिन बाय बाबू द कैलकुलेटिंग द बाबू रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। नहीं समझ में आया, छोड़ो रहने दो। स्लोप कैसे होगा सर, स्लोप अगर निकालना रहेगा जब भी किसी भी लाइन का, मान लो इस लाइन का स्लोप निकालना है, किस लाइन का, इस लाइन का स्लोप निकालना है ना। अब इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना बाबू, इस लाइन का अगर स्लोप निकालना तो कहीं भी पॉइंट पर निकाल, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो किसी, है ना, कहीं भी स्लोप निकालोगे तो हर एक जगह स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ये मान लो अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ से हॉरिजॉन्टल लोगे तो यही एंगल क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ का यहाँ का यहाँ का, किसी भी जगह का स्लोप निकालोगे सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। तो बात है सर मन मेरा है ना, मैं ना बेचैन हो रहा, कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं निकाला जाता। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना, मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ वाला पॉइंट होगा तो उसका एक्स वैल्यू बाई वैल्यू होगा ना, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, बाई को वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, है ना। ठीक तो यहाँ पे बाबू मान लो यहाँ का पॉइंट क्या है, एक्स वन बाई वन है, और यहाँ का पॉइंट मान लो एक्स टू बाई टू है ना, एक्स टू बाई टू है ना। तो ये वाला स्लोप जो होता है, ये वाला लेंथ वर्टिकल लेंथ, ये वर्टिकल लेंथ, तो वर्टिकल लेंथ कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ का वर्टिकल लेंथ का, यहाँ का बाई, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, बाई टू है ना। तो यहाँ से यहाँ तक बाई टू और माइनस बाई वन वर्टिकल डिस्टेंस ये है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन। ये क्लास 8 9 में आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े होंगे, अरे मेरे शैतान जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। देखो कहीं भी किसी लाइन का भोला है ना लेंथ निकालना रहता है, दो गो कोऑर्डिनेट देल रहता है। अरे माही वीडियो ऑन करो ना जी, भोली बीपी हाई करवा दे माही, अब भोले जी आनंद, हाँ ऑन कीजिए वीडियो। देखो मान लो इस लाइन का बाबू स्लोप निकालना है शैतान शर्मा, तो मान लो ये 3 है, ये 5 है, अब मान लो ये 6 उससे कम ना होगा जी, ये 2 है और 4 है ना। तो कहेगा बाई बाई कोऑर्डिनेट है ना, इसका वर्टिकल हॉरिजेंटल एक्सिस से है ना, ये जो लेंथ है ये मेरा क्या कहलाता है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस से जो वर्टिकल लेंथ है वही मेरा क्या कहलाता है, बाई कोऑर्डिनेट कहलाता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहता है, ओरिजिन से, ओरिजिन से इतना जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। मान लो यहाँ पे पॉइंट लेगा तो इस पॉइंट का है ना, इस पॉइंट से बाबू इस पॉइंट का लेगा तो हॉरिजेंटल से इस पॉइंट से नीचे ला तो इतना जो लेंथ होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो पहला हमेशा एक्स वैल्यू, दूसरा हमेशा बाई वैल्यू है ना। और बाबू और बाई बाई लेंथ कितना, 4 है, 4 लेंथ का मतलब, कहने का मतलब क्या, हॉरिजेंटल से ये जो लेंथ है ये इसका क्या कहलाएगा, बाई वैल्यू कहलाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, समझना, ये इतना लेंथ 4 है और ये इतना लेंथ 4 है, इस पॉइंट पे आ जाओ, मान लो पॉइंट ए दे दो, एगो के पॉइंट बी दे दो, शांति समझना,
तो पॉइंट बी का एक्स वैल्यू कितना, 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना होगा, 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ 3 होगा। ये 5 दिले, मतलब यहाँ से लेंथ कितना, 5 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूरा कितना है, 5 है ना। अब मान लो आपको इतना लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ नहीं निकाल लोगे, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल 5 है, आई वाला इतना 4 है। अरे शैतान, टोटल क्या करो बाबू, टोटल 5 है, वर्टिकल लेंथ अगर कहेगा बाबू मेरे यहाँ से, तो ये इतना लेंथ कितना है, 5 है। अब माइनस इतना लेंथ घटा देगा तो ये वाला नहीं आ जाएगा, तो 5 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला लेंथ कहेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला लेंथ कहेगा, तो टोटल कितना है, 3 है, इतना कितना, 2, तो ये वाला लेंथ नहीं आ जाएगा है ना। तो जब भी इस तरह से कोऑर्डिनेट है ना, हमको बाई एक्सिस इतना लेंथ निकालना, तो इतना लेंथ निकालना, तो यहाँ का बाई कोऑर्डिनेट कितना, बाई 2, और माइनस यहाँ का बाई कोऑर्डिनेट कितना है, बाई 1, तो बाई 2 माइनस बाई 1, अब बटा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 है ना। तो यही जो बाई कोऑर्डिनेट का रेशियो है और एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस का रेशियो है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। मतलब स्लोप बराबर क्या लिखेंगे सर, बाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ, बदलाव हुआ है ना। यहाँ कितना था, बाई वन, बाई वन था, बाई टू हो गया, तब बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स कोऑर्डिनेट कितना बदलाव हुआ, x2 माइनस x1। तो यही जो रेशियो आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं ना। ये आप लोग को अभी ज्योमेट्री में पढ़ना, वहां पे हम बताएंगे आपको, ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे ना, अभी आप इतना ही रखो। नहीं भी समझ में आता है छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आप सिंपल ये रखो, स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसको यूज करेंगे अभी है ना, मतलब ये दिल लेंथ बटा ये लेंथ है ना, ठीक, वही बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x1 माइनस x2 माइनस x1 है ना, ये याद रखना है ना, ठीक। नेक्स्ट एक, इसको अभी जितना भी बात अभी बता रहे हैं, तुरंत न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, यूज करेंगे है ना। ए शर्मा बाबू ऑन करो, ए शुभ शैतान ऑन कीजिए, आनंद बाबू ऑन करो, ठीक। तो वही होता आगे बाबू, क्या बाबू, मोर इज द स्टिफनेस ऑफ ए लाइन, मोर विल बी स्लोप है ना। कोई भी लाइन है बाबू, जितना ज्यादा खड़ा होगा उसका स्लोप क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। मान लो अभी इतनी सा झुका हुआ, तभी इसका स्लोप कम है, इसको बढ़ा दो इतना, स्लोप बढ़ गया, इसको बढ़ा दो इतना, स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया, और इधर बढ़ा दो, स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया, और इधर कर दो, स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया है ना। तो है ना, 0 से 90 के बीच में अभी क्या, हॉरिजेंटल एक्सिस पे है स्लोप 0, बढ़ा दिया बढ़ गया स्लोप, ऐसे कर दिया बढ़ गया, ऐसे कर दिया बढ़ गया, ऐसे कर गया बढ़ गया है ना, ऐसे कर दिया बढ़ गया है ना। तो स्लोप एक्चुअली है क्या चीज है, झुकाव है ना, ढाल है, ढाल है ना, ढाल है, कितना हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा। तो मान लो लाइन ए है θ1 बना रहा, लाइन टू है θ2 बना रहा, और लाइन सी है ये θ3 बना रहा है ना, ठीक। तो कहेगा कि कर स्लोप ज्यादा, तो हॉरिजेंटल से कितना आएंगे, जो ज्यादा एंगल बनाएगा, तो ये θ3 वाला एंगल ज्यादा बना रहा है ना, तो कहेंगे θ3 वाला स्लोप ज्यादा है, तो ये कौन सा लाइन है, सी है लाइन है ना, स्लोप सी है। तो कहेगा बाबू स्लोप क्या होता है, स्टिफनेस होता है, तो इसमें क्या कर ज्यादा स्लोप है, तो सी का स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी है ना, और उससे का सबसे कम स्लोप का कर है, तो ये कहा, क्योंकि ये कम ना झुकल है जी, ये वाला लाइन में कम ना झुका हुआ है, तो इसका स्लोप कम है, इससे थोड़ा सा ज्यादा बी वाला का, बी से थोड़ा सा ज्यादा सी वाला का है ना, सी वाला का, ठीक। तो इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है ना, इतना क्या करना है, ध्यान रखना, इसको हम लोग यूज करेंगे है ना, ओम्स लॉ के क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। अब आगे बाबू क्या, कुछ कुछ एल के जी वाला लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है ना, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, भी बराबर आई आर पे है ना, तो ये सब कर लेते हैं मजाक में, मुंह छुपा के है ना, तो फिर उसको हम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन करेंगे, इतना जो कंसेप्ट पढ़ा है ना इसी पे क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे है ना, ओम जो आपको एग्जाम में आएगा है ना, ये वाला नहीं आएगा, आएगा तो कॉमर्स का आएगा, तो आएगा गलती से, नसीब खराब रहेगा तभी वाला आएगा है ना, है ना। तो पहले ये सब कर लेते हैं, ओम्स लॉ कैसे हम लोग यूज करेंगे है ना, कैसे यूज करेंगे, ये सब ललीपॉप है वो है ना। तो आपको ओम्स लॉ जिंदगी में याद रखना है, ओम्स लॉ क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है, क्या होता है, भी आर बराबर आई, जो नहीं लिख पाए हो ग्रुप में भेजे हैं वहां से लिख लीजिएगा है ना। किसी को याद है कितना नंबर क्वेश्चन होगा, संजना बोले ना, बोलोगे संजना हाय बाबू, नहीं बोलोगे इसको, चलो अब हम लोग करते हैं, कल आपका मीटिंग आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा बाबू, लिंक आपको नया जनरेट करेंगे है ना, रिचार्ज खत्म हो रहा है इसका, बनाएंगे अभी, रिपेयर करेंगे, पैसा देंगे जूम वाले को, फिर वो देगा,
तो आपको ग्रुप में भेज देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। हाँ नेक्स्ट बाबू, आपको क्या भोला क्या है बाबू, क्या है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, समझते चलना है ना, समझते चलना। कितना नंबर क्वेश्चन होगा धर्मवीर? नहीं लिखे बाबू, प्रीवियस क्लास में भी कहे थे। प्रीवियस क्लास में भी बोले थे भोला, कितना नंबर है, नंबरिंग है जे, ये तो बैच ए हो गया, इसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं भोला। क्रेस्ट ट्रफ आवाज, ओम्सला, कॉपर वाला रेसिस्टेंस, वहां भी नंबरिंग नहीं किया था, शैतान। देखो बाबू, अरे नंबरिंग के बिना कैसे क्वेश्चन बनाएंगे जी, नंबरिंग रहेगा तब ना करेंगे बाबू। देखो क्या कह रहा है बाबू, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप बाबू, इफ द बाबू लैंप यूजेस 20 एम्पेयर वेन करंट ऑफ 220 वोल्ट, है ना बाबू, वोल्ट लाइन है ना, कोई वोल्ट आप जब भी देखना बाबू, हम लोग जो वोल्टेज यूज करते हैं, शांति समझना, हम लोग जो बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह कोई भी देखो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो वहां पे वोल्टेज जनरली कितना रहेगा, है ना, 220 से 240 रहता। हम लोग इंडियन में यही वोल्टेज यूज करते हैं ना, यही वोल्टेज यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई भी बल्ब वगैरह देखो भोला, कोई भी बल्ब देखो या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखो, वहां पे क्या लिखल रहेगा, 220 वोल्ट लिखल रहेगा, है ना, ठीक। कितना लिखल रहेगा, 220 वोल्ट। देखो यहाँ पे देखना, 220 से 240 दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे देखो एसी 220 से 240 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बाबू? अब भोला ना दिखाई दे रहा है जी माई? सर दे रहे हैं। हाँ, तो कोई भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा, है ना, आपके पास आयरन होगा, नहाने के लिए गीजर होगा, तो वहां पे वही वोल्टेज रिले निकल रहेगा, 220 से 240, क्योंकि हम लोग का घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाबू, है ना, कितना, 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है ना, ठीक, तो वही लिखल है ना, 220 से 240 है ना, भैरी करते रहता है कभी 20 30 40, है ना, तो वही कह रहा। तो आपको बाबू हमने क्या बताया था, ओम्स लॉ, वी आई आर के बीच में एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था, वी बराबर आई आर। तो पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन है उससे डाटा लिख लो, उससे डाटा तो एक्सट्रैक्ट कर लो, और फिर इसमें तीन चीज है, तो दो चीज आपको पता रहेगा, वोल्टेज पता रहेगा, रेसिस्टेंस पता रहेगा, तो करेंट निकालने कहेगा, करेंट दिल रहेगा, वोल्टेज दिल रहेगा, तो रेसिस्टेंस निकालने कहेगा, करेंट दिल है, रेसिस्टेंस दिल है, तो वोल्टेज निकालने कहेगा। तो इसमें तीन चीज है ना, तो दो गो आपको देल रहेगा, एगो निकालने का है, तो कौन सा बड़ा टफ काम है जो 10वां में दिया पढ़ने के लिए, बताओ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ क्या चीज है, जो दिया हुआ डाटा बाबू, दिया हुआ जो डाटा है क्या, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इन इलेक्ट्रिक लैंप इफ द बाबू लैंप यूजेस 20 एम्पेयर, ए है ना, तो करेंट है, ए फॉर एम्पेयर है, मतलब क्या, करेंट है, तो क्या दिया है, करेंट दिया हुआ, करंट को आई से कितना दिया हुआ है, 20 एम्पीयर, है ना, मुंह छुपा के बना लो ऐसे कर कर ना, शर्म लगता है। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, मतलब क्या दिले, वोल्टेज दिले, वोल्टेज भी दिले, कितना दिले, 220 वोल्ट दिले, है ना, 500, आई दे दिया, भी दे दिया, तो रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ बाबू, ओम्स लॉ के अनुसार भी बराबर कितना, आई आर, यही होगा, जो वैल्यू देले है ना, तो हमको क्या निकालने का रहा, आर निकालने का रहा ना, तो आर बराबर क्या लिखेगा, ये तो मेरा बच्चा कोई भी कर लेगा, आर बराबर क्या लिखेगा, भी बट्टा आई आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, अरे वोल्टेज उछला के दरला, वोल्टेज के वैल्यू दे ले सर 220 वोल्ट, मुंह छुपा के बना वाला चीज, आ करंट कितना दे ले, 20 एम्पियर दे ले, मर गया, 0 0 मर गया मैं जी, हाँ सर, 11 हो गया, वोल्ट वाटा एम्पियर रेसिस्टेंस होता, तो आर बराबर कितना हो गया, 11, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना, उल्लू जुल्लू कुछ हम मत लिख देना, तो यही आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ई एल के जी वाला क्वेश्चन है, लिखो अगला समझाते हैं, जल्दी लिखो, ये सब एल के जी वाला है,
शैतान भी बना के नहीं दे रहा है, क्या किया जाए। प्ले स्टोर पे दुदू गए पड़ा हुआ है, एको को काम करने, पैसा सब ले लेता, काम करता नहीं है। जल्दी लिखिए, अपना बना के दे देगा सही से, जूम नियन बना के नहीं देगा, लगता है कम ही उम्मीद। शर्मा गुनगुन नहीं आया है, आई है, आगे बताते हैं। लिखा धर्मवीर, धर्मवीर बोला, सबको साफ सुन लेता है जी। चलो तो आज आज नहीं पहुंचेगा बाबू, क्या उसको बोलते हैं, शुभ ऐसो बाबू, यस आज नहीं पहुंच पाएगा शाम जाएंगे। तक। चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो। सब एल के जी वाला, ये सब कौन सा के जी वाला, एल के जी वाला। नंबरिंग बाबू कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, शुरू से जैसे नंबरिंग किया कर लेना। सॉल्यूशन बाबू ए नंबर, क्वेश्चन नंबर मान लो, ये मान लो 15 नंबर होगा, तो 15 का ए भी इसमें, कई क्वेश्चन है, दो 15 का ए भी है ना, ए भी है, ठीक बाबू। हाउ मच करेंट बाबू बिल एन इलेक्ट्रिक बल्ब बाबू ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स बाबू, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज फिलामेंट इज कितना है ना, 1210 ओम है, मतलब क्या, इस मुंह छुपावे वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ जी। क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ क्या, मुंह छुपा के बनाओ जी, सुन, 10वां में पढ़ला देता, बताओ। गिवन बाबू हाउ मच करंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बाबू ड्रान फ्रॉम ए 220 वोल्ट, क्या 220 वोल्ट है ना जी, मतलब वोल्टेज दिले, की दिले है, वोल्टेज दिले, तो वोल्टेज को भी से इंडिकेट करते हैं, कितना दिले सर, 220 वोल्ट दिले, नहीं समझ में आएगा ना, तो यूनिट वोल्ट किसका होता है, वोल्ट का होता है, यूनिट देखो उससे भी समझ लेना। वैसे फिलामेंट ओ, ये कौन वाला सिंबल है, ओम है, मतलब क्या दे ले, रेसिस्टेंस दे ले, मतलब क्या दे ले, रेसिस्टेंस दे ले, है ना, रेसिस्टेंस दे ले, आर दे ले, कितना दे ले, 1210 ओम दे, ओम किसका होता, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ना, तो ओम्स ला, हमको फाइंड क्या करना है, हमको वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है, आई है, करंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना, बता आप, मुंह छुपा के सब शर्म करे वाला चीज है, आई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, निकालो आई, निकालो जी, ये भी उसी में, इसमें भी उसी तरह, इसमें भी निकालो सब, मुंह छुपा कर थी करता, लटका लेता है मुंह सब, भी बराबर आई, यार आई बराबर कितना, भी बट्टा आर, मजे आ रहा होगा पढ़ा में, ए आलोक शैतान आता है समझ में जी, आलोक ना है जी, आलोक बाबू मरेगा जी, 11 से 2, 11 से 11, 2/11 एम्पेयर का करंट जाएगा, डेसिमल में निकालो, 0.1, 90, 11/88, 1/8 एम्पेयर हो जाएगा, हे आलोक बाबू, आर्यन हाय जी, सुत गया, हाँ सर, हाँ हाँ समझ में आता है जी कि नहीं आता है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, स्कूल नहीं सोमिया, सर, आज आज छोटका को अटेंड करने का ना, मीटिंग आईडी चेंज हो जाएगा, बोले ग्रुप में डाल देते हैं ना, अभी रिचार्ज करते देखते हैं, डाल देते हैं, ठीक लिंक भेज देंगे।
नेक्स्ट बोला, इक्वेशन कौन बनाएगा इसको, करना बी नंबर करो तो बाबू, बी नंबर करो या धर्मवीर, नंबरिंग बाबू खोज के रखना बाबू। इक्वेशन कौन करेगा, वेन ए पोटेंशियल, इसका बी नंबर कीजिए जल्दी से, अपने मुंह छुपा के कर लो कहीं से ना। बी नंबर में क्या दिले, रेसिस्टेंस दिले और वोल्टेज दिले, वेन ए पोटेंशियल, इसको करो, इसको कौन करेगा, इसमें थोड़ा सा सोचना, जीरी सुन सोचना, ज्यादा नहीं है। वेन ए पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट, इज अप्लाइड, इज अप्लाइड बाबू अक्रॉस ए रेसिस्टर, अक्रॉस ए रेसिस्टर इट ड्राज ए करेंट, ऑफ 3 एम्पेयर इफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड, अक्रॉस द सेम रेसिस्टर Across the same resistor, कुछ नहीं करना है, खाली थोड़ा सा, एक लाइन थोड़ा सा करना है इसमें बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। Across the same resistor, what will be the current? What will be the current? जल्दी लिखिए, बन जाएगा बाबू शर्मा, कैसे बनाएगा शर्मा बता दो बाबू, एस शर्मा शर्मा, ये सब कहाँ सुतल सर है। आई इक्वल टू बी बाय आर, अच्छा ओकर बाद शर्मा रुकिए तो आई सर। को जल्दी करो बाबू, जल्दी कीजिए, जल्दी करो ईशा आनंद बाबू, जल्दी करो, कितना आंसर आएगा, बना बना बना, जल्दी बनाइए, इसका निकालो करंट की वैल्यू निकालो बाबू, जल्दी निकालो ईशा, माही निकाल दो, माही 10 रुपया, माही जल्दी निकाल दो, भोले तने निकाल दीजिए 10 रुपया, बा, बा, गिनल चुनल बच्चा को ना देंगे, जल्दी निकालो जी, निकालो आलोक शैतान, निकाल दो माही 10 रुपया, भोले जल्दी करो धर्मवीर, निकालो जी सब नंबर 10 नंबर का, निकालो निको धर्मवीर, जल्दी बनाओ बाबू, पोटेंशियल 20 वोल्ट दले है, क्रॉस है रेसिस्टर बाबू, ड्राज 3 एम्पीयर का करंट है, 2 एम्पियर आएगा सर, सर 4.5 एम्पीयर, 2 एम्पियर ना ही आएगा, सर 4.5, 0.5 एम्पियर आएगा। ना बाबा शैतान शर्मा, 0.5 नहीं आएगा, कहाँ सर 4.5, बनाई दिखाओ तो जी, सब में शैतान, यस फॉर सौम्या यस फॉर शैतान, यस कुटाई खोज दिखाती, कुटाई खो जाती माही, 10 रुपया नहीं ना मिल लीजिए, चलो ठीक है जी। सर 10 रुपये दीजिए अरे आप, आपको काहे कर देंगे, बच्चा जो बाबू कमजोर रहेगा उसको ना देंगे, माही के लिए ऑफर था, संजना के लिए ऑफर था, शर्मा इसे तो शैतान 9 10th का, ऐसे शैतान लोक क्या करा बाबू, वेन ए पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए बाबू रेसिस्टर, ये ड्रा ये 3 एम्पेयर करेंट, तो 2 गो डाटा दे ले, तो पहले वाले डाटा से रेसिस्टेंस निकालो, आई बराबर कितना, वी बटा आर,
तो पहले वाला डाटा में वोल्टेज दे ले, करंट दे ले, रेसिस्टेंस निकालो उसका। तो क्या करा, इफ 30 वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सेम रेसिस्टर, तो सेकेंड डाटा से क्या है, उस इससे जो रेसिस्टर का वैल्यू आएगा वही रेसिस्टर इसमें है, तो उससे आपको क्या निकालना है, कितना करंट ड्रा करेगा, है ना, कितना करंट ड्रा करेगा, ये निकालने का रहा। मतलब आपको क्या कह रहा है शैतान, है ना बाबू, गिवन क्या दिया हुआ, भेने पोटेंशियल है ना, वोल्ट दे ले, कितना दे ले, वोल्टेज दे ले, वोल्टेज कितना दे ले आलोक शैतान, 20 वोल्ट दे ले, करंट कितना दे ले, 3 एम्पेयर दे ले, करंट कितना दिया, 3 एम्पेयर दिया, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगा, आर बराबर कितना होगा, वी बटा आई, तो यहाँ से आर निकाल लो वी बटा आई करके। और ये जो रेसिस्टेंस आएगा वो आगे क्या करा, इफ द 30 वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सेम रेसिस्टर, पहले 20 वोल्ट अप्लाई कर रहा था, उसके बाद कितना, 30 वोल्ट अप्लाई कर रहा है, तो अब यही आर की वैल्यू जो आएगा है ना, तो इसी रेसिस्टेंस के बीच 30 वोल्ट अप्लाई करो, वोल्टेज हो गया 20 बटा 3 हो गया, इतना ओम रेसिस्टेंस हो गया। नाउ बाबू अब यही रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना करना, 30 वोल्ट अप्लाई करना, तो कुछ करना था जी, चल शैतान पढ़ता नहीं है। इसमें और क्वेश्चन है, जितना भी पॉसिबल ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है या कंसेप्चुअल है, सारा कुछ कुछ के आपको हम करवा देंगे, ताकि आप कॉपी सिर्फ पढ़ लो तो आपका है ना टेंशन नहीं रहा। नाउ बाबू आर की वैल्यू कितना आएगा सर, 20 बटा 3 ओम, और क्या करा बाबू, 30 वोल्टेज अप्लाइड बाबू, वोल्टेज कितना दे ले, 30 वोल्ट दे ले, तो करंट पूछ रहा है, तो आई बराबर कितना सर, वी बट्टा आर, यही होता है ना ओम्स लॉ में, आपको एक ही क्वेश्चन आकर याद रखना है, वी बराबर आई आर, पर तो उसी को उलट उलट करते रहो, है ना, उलट उलट करते रहो, वोल्टेज 10, आर की वैल्यू कितना सर, 2 बट्टा 20 बट्टा 3, 20, 3 उछल के ऊपर चल जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 3 बटा 20, मर गया, 3 तिया 9 बटा 2, 4.5 एम्पेयर आ जाएगा, तो यही करना था लोक शैतान। ये हो गया 9 बटा 2 बराबर 4.5 एम्पेयर का करंट होगा, इसलिए आई बराबर कितना हो गया, 4.5 एम्पेयर हो गया। इसमें और खोजेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे आपको, है ना। कल से बाबू आपका मीटिंग आईडी है ना बाबू, आज से मीटिंग आईडी चेंज हो जाएगा, है ना, शाम वाले बैच में आपको ग्रुप में भेज देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, सर 5 बार बोल चुके हैं, ठीक है, बोला जी लो जिंदगी, क्वालिटी भी सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, स्क्रीन शेयर करने से क्या होगा, शेयर स्क्रीन, सेव कहाँ जाके होगा जी, क्लाउड पे तो सेव नहीं होगा, भोला मेरा, हम जा